हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन। इस वीडियो में मैं आपको आईटेल मोबाइल में फ्लैश नोटिफिकेशन का सारा सेटिंग यूज करने का तरीका बताऊंगा कि किस सेटिंग से क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं आईटेल मोबाइल में फ्लैश नोटिफिकेशन वाला सेटिंग आप कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए आप आईटेल मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद आप डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और उसके बाद यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो सेटिंग मिल जाता है। तो पहला सेटिंग ये है फ्लैश फॉर इनकमिंग कॉल्स। आप यहाँ पर क्लिक करके ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं और ये सेटिंग ऑन करने से ये होगा कि जब भी आपका मोबाइल पर कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो उस टाइम आपका जो है वो फ्लैश लाइट जलेगा, फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगा। और दूसरा सेटिंग है फ्लैश फॉर रिसीव्ड मैसेजेस। आप यहाँ पर क्लिक करके ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं और ये सेटिंग ऑन करने से होगा क्या कि जब भी आपका मोबाइल पर कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी मैसेज रिसीव होगा तो आपका फ्लैश लाइट जो है वो जलेगा, आपका फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगा। तो इस सेटिंग से यही होता है। तो मैं फ्लैश नोटिफिकेशन का दोनों सेटिंग के बारे में बता दिया।